गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम गोपी कुमार श्रीवास्तव फ्रॉम एस एस डी। दिस इज माय टीन चैप्टर ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, इस चैप्टर में आपको मैं बजट के बारे में बताने वाला हूँ पूरे डिटेल से कि क्या बजट होता है और कैसे बजट तैयार किया जाता है, और बजट के अंतर्गत कितना स्ट्रक्चर है, कितना पार्ट है, कितना कॉम्पोनेंट है, हर बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से आपको पता चलता है कि गवर्नमेंट का इनकम के बारे में और एक्सपेंडिचर के बारे में। ये चैप्टर बेसिकली गवर्नमेंट का बजट के अनुसार है, जो बजट हमेशा एक साल में प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट में। ओके, सो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझना है कि आपका बजट क्या होता है। तो बजट इज डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। वर्ड फाइनेंशियल का मतलब होता है जो बिजनेस से रिलेटेड या ट्रांजेक्शन से रिलेटेड या व्यापार से रिलेटेड होता है, वो फाइनेंशियल नेचर का होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंटेनिंग मिनट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, ये ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट का पल पल का, मतलब मिनट मिनट का खर्चा, मिनट मिनट का इनकम के बारे में डिटेल से लिखा रहता है। जब इसे फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में दिखाता है तो वो बजट में टोटल बताता है कि हर मिनट हर समय उन्होंने कितना कमाया, उन्होंने कितना खर्च किया, उस सारा डिटेल स्टेटमेंट को वो हर साल प्रेजेंट किया जाता है। तो ये बजट जो है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जिसमें गवर्नमेंट का सारा बजट इनकम मिनट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर को डिटेल से दिखाया जाता है। और ये जो है ओवर द फिजिकल ईयर मतलब अकाउंटिंग ईयर, मतलब जो आपका अप्रैल से लेकर मार्च तक जाता है उसको आप फिजिकल ईयर कह सकते हैं या फिर अकाउंटिंग ईयर कह सकते हैं, ठीक है। तो बजट क्या है? बेसिकली बजट है मिनट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का हर एक समय का, हर पल का खर्चा इनकम के बारे में डिटेल से गवर्नमेंट बजट बताता है। अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, आखिर ये गवर्नमेंट बजट क्यों बनाते हैं या इसका जरूरत हमें क्यों पड़ता है। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसे आप रीएलोकेशन कर सकते हैं। रिसोर्सेज मतलब क्या? संसाधन, कि गवर्नमेंट के पास जो भी संसाधन है उसका रीएलोकेशन करना, मतलब उसको अच्छी तरीके से संभाल के रखना, उसको कलेक्ट करना, ठीक है। अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेशन कर सकता है, पता कर सकता है कि किस रिसोर्सेज में हमें ज्यादा ध्यान देना है, किस रिसोर्स में हमें ध्यान नहीं देना है। रिसोर्सेज मतलब कि उसका संपत्ति, उसका एसेट्स, उसका सब कुछ जो उसकी गवर्नमेंट का होता है उसको रीएलोकेट करता है बजट के अनुसार, मतलब उसे बढ़ाता है। जैसे रोड बना दिया, डैम बना दिया, रेलवे बना दिया, तो ये रीएलोकेशन है रिसोर्स का। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आप इन इनकम कर दीजिएगा, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, आप यहाँ पे लिखिएगा इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन द इनकम एंड द वेल्थ। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो लोगों का इनकम है और जो वेल्थ है, जैसे कि बहुत सारे लोग गरीब हैं, बहुत सारे लोग अमीर हैं, तो उन लोगों के जो बीच का डिफरेंट है उसे बजट खत्म कर सकता है। कैसे खत्म कर सकता है? तो देखिए, बजट में क्या होता है, गवर्नमेंट का टैक्स जो गवर्नमेंट हमसे लेता है तो गवर्नमेंट के लिए वो इनकम हो गया, और गवर्नमेंट जो खर्च करता है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल चलाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलाता है, तो उसका खर्चा हो गया। तो यहाँ पे क्या करेगा, गवर्नमेंट रिड्यूस करेगा इनइक्वालिटी, असमानता किसके बीच में, पुअर और अमीर के बीच में। अमीर पे टैक्स ज्यादा लगा देगा, गरीब पे कुछ सुविधाएं देने लगेगा, गरीब को नौकरी देने लगेगा, इससे क्या होगा, बैलेंस होता है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को बैलेंस कर सकता है। तो जब तक बजट नहीं बनाएंगे, बजट से इनकम पता नहीं चलेगा, बैलेंस कैसे करेंगे। इसीलिए यहाँ पे ये बजट का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अगला है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अर्थव्यवस्था को स्टेबल बना के रखता है, मतलब कि मतलब ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं आने देता है, प्राइसेस बढ़ने नहीं देती है, या फिर इकोनॉमिक ड्रॉप डाउन नहीं होने देता है। बजट का काम है पूरा मेंटेन करना इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को, खर्चों से, इनकम से, इस तरह से मेंटेन करते रहना। अगला है मैनेजिंग पब्लिक इंटरप्राइज। जब पब्लिक इंटरप्राइज की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग गवर्नमेंट के बारे में ध्यान दे रहे हैं। मैनेजिंग मतलब मैनेज करना पब्लिक इंटरप्राइज को, मतलब गवर्नमेंट कंपनी को अच्छे से चलाना। जब तक बजट अच्छा नहीं होगा, गवर्नमेंट कंपनी अच्छे से कैसे चलेगा। गवर्नमेंट खर्च, जो हमारा पब्लिक इंटरप्राइज है या जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं, उसे खर्च का भी तो जरूरत होता है, उसे खर्चा होते रहता है, तो उसे बजट ही मेंटेन करता है, मतलब खर्च करता है ताकि वो पब्लिक इंटरप्राइज या गवर्नमेंट कंपनियां अच्छे से चलते रहे, जो भी जरूरत की चीजें हो बना सके, ठीक है, वो होता है पब्लिक इंटरप्राइज। फिर है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब
अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था का विकास तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक अच्छा बजट नहीं हुआ। अच्छा बजट होगा तभी तो काम होगा। जैसे बजट में दो भाग होता है, एक इनकम का और एक एक्सपेंडिचर का। गवर्नमेंट को पता रहना चाहिए मेरा इनकम किस प्रकार से आएगा और खर्चा हम लोग क्या करने वाले हैं। जब ये दो बातें गवर्नमेंट को पता रहता है तब वो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ को ला सकता है, मतलब एक अच्छा इकोनॉमिक प्लानिंग, एक अच्छा बजट इकोनॉमिक को पुश कर सकता है, बढ़ा सकता है। सो दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, क्योंकि मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट बजट को इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था के साथ बताने वाला हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ, इसीलिए आपका ये फर्स्ट वीडियो है। और द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट फ्रॉम दिस वीडियो रिलेटेड टू दिस एंड व्हाट इज बजट, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, मस्ट राइट। आई विल गिव यू होमवर्क एंड इन द होमवर्क इज द व्हाट इज बजट एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, बट दिस इज वेरी शॉर्ट, हेल्प विद द माय पीडीएफ, आप पीडीएफ को देख सकते हैं मेरे और इसको अच्छे से लिख सकते हैं, इसमें बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है पर आप इसको फॉलो कर सकते हैं, पर ऑब्जेक्टिव को आपको डिटेल से लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसका स्ट्रक्चर ऑफ द बजट के बारे में डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू, मस्ट राइट द ऑल द क्वेश्चन आंसर विच आई गिवन एज ए होमवर्क, सो थैंक यू।